So now coming to the next topic, which is water freshen ups and eventful journey. अब हम यहाँ पे देखेंगे water कैसे freshen up होता है, कैसे यहाँ से वहां तक travel करता है, वो उसका क्या process है और क्या क्या चीजें होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक term that is sewers. पहले हमने क्या पढ़ा था, sewage, that is wasteful water. अब ये sewers क्या होते हैं? Sewers आपने बहुत बार अपने शायद घर में भी सुना होगा, locality में कि sewer खराब हो गया या sewer ठीक करने आए हैं. So वो sewer होता क्या है? So लार्ज एंड स्मॉल पाइप्स दैट आर इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग्स टू कैरी सीवेज वाटर. सो पाइप्स होते हैं बेसिकली, लार्ज भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, एंड दे आर इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग्स जिसकी हेल्प से जो भी सीवेज है, मीन्स जो वेस्टफुल वाटर है, वो कैरी आउट किया जाता है. ठीक है, सो दैट इज सीवर्स. उसके बाद एक टर्म है सीवरेज. अब सीवरेज क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवरेज. अब हर बिल्डिंग में, मान लो हर लोग है, जितने भी घर हैं, हर किसी में यहाँ पे सीवर्स लगे हुए. अब ये सारा कलेक्ट होके भी तो कहीं डिपॉजिट होगा या कहीं जाके डिस्पोज ऑफ होगा. सो उसके लिए बड़ी टर्म है सीवरेज, दैट इज नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें ये सारे पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे एंड एक साथ वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा जो भी हमारा सीवेज वाटर होगा. सो अब सीवरेज के यहाँ पे हमने आगे डिटेल में भी है, इट कैरी सीवेज वाटर फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट वेयर इट इज डिस्पोज. तो क्या करता है, कैरी करता है सीवेज वाटर को जहां से प्रोड्यूस हुआ है, मतलब बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, कहीं से भी. सो वहां से कलेक्ट करके उसको पूरा ट्रांसफर करता है जहां पे भी उसको डिस्पोज ऑफ होना होता है. ओके, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ मैनहोल्स दैट आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 meters. अब ये जो है इसमें हर 50 से 60 meters के बाद एक होल्स होते हैं. वो होल्स किस लिए होते हैं? द मैन होल्स आर इंस्टॉल्ड एट अ पॉइंट वेयर टू और मोर सीवर्स इंटरसेक्ट और चेंज द डायरेक्शन. सो जब हमें उसका डायरेक्शन चेंज करनी हो, वहां पे एक मैनहोल इंसर्ट होगा ताकि पाइप की डायरेक्शन चेंज हो सके, या जहां दो सीवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां पे एक मैनहोल होता है. सो ये होल्स बेसिकली डायरेक्शन चेंज करने के लिए या एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए होते हैं. ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वॉटर. अब एक पॉल्यूटेड वॉटर है, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, उसको कैसे क्लीन कर सकते हो. तो यहाँ पे जिस पॉल्यूटेड वाटर की बात हो रही है, वो नॉर्मल की पानी है, गंदा पानी है, उसको कैसे क्लियर करें. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीवेज, सीवेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे. सो ये बेसिकली एक आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, बट इसमें कुछ स्टेप्स है, लेट्स सी. सबसे पहले है एरेशन. एरेशन में क्या करना है, एयर इज बबल थ्रू द वेस्ट वाटर व्हाइल इट इज कॉन्टिन्यूअसली स्टिप. अब कैसे एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली भी पानी को लो और उसको कंटिन्यूअसली घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, ऐसे स्टिप करते रहो, तो क्या होगा, उसमें एयर बबल्स प्रोड्यूस होंगी. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एयर बबल प्रोड्यूस कर रहे हैं. देन फिल्टरेशन, देन नेक्स्ट स्टेप है फिल्टरेशन, विच इज एरेटेड वाटर. जो जिस वाटर में अभी हमने बबल प्रोड्यूस करे, दैट इज रेफर्ड एज एरेटेड वाटर, पासिस थ्रू अ डीप फिल्टर ऑफ लेयर्ड सैंड. अब उसको हम क्या कर रहे हैं, डीप एक मतलब एक लेयर, एक वो बना लिया, सैंड की अलग अलग लेयर्स है, उससे हम उस पानी को पास कर रहे हैं जिसमें फाइन ग्रेवल्स भी है, मीडियम ग्रेवल्स भी है. तो उसके थ्रू हमने अपने पानी को उसमें डाल के उसके थ्रू पास करें, क्योंकि वहां पे क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा वाटर. देन लास्ट स्टेप है क्लोरिनाइजेशन. अब इसमें क्या कर रहे हैं, क्लोरीन इज एडेड एंड मिक्स टू द फिल्टर्ड वाटर अंटिल वाटर इज क्लियर. अब वो पानी फिल्टर होने के बाद हम उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स वगैरह या क्लोरीन ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, पानी एकदम क्लियर हो जाएगा. बट अगेन ये बेसिकली सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, नॉर्मली पॉल्यूटेड वाटर की बात हो रही है. इससे अब आप सीवेज वाटर का जो वाटर है या जो हमारे घर से इतना वेस्टफुल वाटर निकलता है, आप उसको इन मेथड से ट्रीट नहीं कर सकते. तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी मशीन्स और बड़े बड़े मेथड्स चाहिए होते हैं, जो कि अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक.